हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी शुभम व्लॉग्स। तो आज की वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं गाड़ी का ये क्लेम लेने, क्योंकि यार ज़्यादा ही लग गई है भाई। कम से कम तीनों गेट गए हैं, मतलब तीनों पैनल गए हैं। देखो, एक तो ये वाला गेट, एक पीछे वाला और एक आगे तक। भाई स्क्रैच ज़्यादा ही लग गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसको करवा ही लेता हूँ, ठीक है। और बाहर मैंने पूछा था, कम से कम 6,000 रुपये का बता रहे थे। और भाई अभी क्लेम है तो कर ही लेते हैं यार, क्या फ़ायदा ना। तो ये चीज़ भी अभी कवर हो जाएगी, और ज़्यादा भी लग गई है तो ठीक नहीं लगता, ठीक। तो ये है, और बाकी आगे के लिए तो यार दिक्कत रहेगी। बाकी कोई नहीं यार, देख लेंगे जो भी होगा, ठीक है। क्योंकि ये तो भाई मिस्टेक लगी है, ऐसा नहीं है कि भाई ये जानबूझ के लगाई हो, भाई मिस्टेक ही लगी है, ठीक है। तो बस अभी बात करते हैं भाई, जो अपना दोस्त है एजेंसी जहाँ से हमने ये गाड़ी परचेस करी थी, ठीक है। वो अपना जानकार था, खास दोस्त था। अभी बात करके फिर उनसे देखते भाई क्या कुछ बताएंगे, देखने के बाद क्या कुछ टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि कम से कम हफ्ता 10 दिन तो कम से कम जाएंगे ही जाएंगे, और बाकी देख लेते कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो शुरू से लास्ट तक बने रहे, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और अगर इंस्टा आई फॉलो नहीं करिए, जो कि सुबह हम लोग सुबह नहीं नेट कर गया, तो यार उसको भी फॉलो कर लेना। और भाई इतना बुरा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ, कहाँ फंस गया कैसी चीज़ में। क्योंकि हुआ तो चलो जैसे तैसे हुआ, मुझसे नहीं लगा लेकिन दूसरे से लगा, लेकिन यार दुख तो दुख ही है, ठीक है भाई। अपने कमेंट्स करके ना एक बार अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, क्योंकि यार मुझे सही बताऊँ बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ मैं, क्योंकि यार ज़्यादा ही मतलब ये मान लो बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं, और एक बार मैं आपको गाड़ी बाहर से दिखाता हूँ, आपसे लगी है, ठीक है भाई। इसको करवाते हैं और बाकी अभी देखते हैं क्या कुछ, पहले तो पूछेंगे कि भाई क्या कुछ कैसे लगी है, रिक्वायरमेंट भी होगी, फॉर्म फिल भी करना होगा, तो भाई देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है, तो चलते हैं। तो भाई तुम्हें बात बताऊं कि यार क्या हुआ गाड़ी में, कि देखो भाई अभी इसकी अब ऐसा भाई टेक्निकल इशू आ गया इसमें, कि जैसे पहले क्या होता था कि भाई बता देते थे, एप्लीकेशन हो जाती थी, भाई लिख जाता था कि भाई किस तरीके से कैसे हो गई है एक्सीडेंट, ठीक है। अब भाई मांगते हैं फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो मौजूद होनी चाहिए। और भाई आपको भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप भी अगर क्लेम करने जा रहे हो गाड़ी में, तो भाई उससे पहले आपको क्लेम लेने से पहले आपको कुछ चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो कि अंडर पॉलिसी के होने चाहिए। जैसे कि एक चीज़ मान लो, एक तो जहाँ गाड़ी आपकी ठुकी है, जिससे ठुकी है, ठीक है, उसकी फ़ोटो होनी चाहिए तुरंत ऑन द स्पॉट के भाई लगी किस तरीके से, ठीक है भाई। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात, क्लेम में देते हो तो उसमें 5 चीज़ लेते हैं ये लोग, तो वो चीज़ क्या होती है, तो पहली फर्स्ट होती है आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो गाड़ी का ओनर है, ठीक है, जिसके गाड़ी के नाम है, ठीक है, गाड़ी जिसके नाम है उसके ऊपर, ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, RC, ठीक है, पॉलिसी और लाइसेंस किसी का भी हो, या फिर जैसे जैसे मैं चला रहा हूँ, ठीक है, या तो मेरे पापा का, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है, तो ये चीज़ है। और भाई देखो अभी तो मैं क्या करता हूँ कि भाई वहाँ पे जाता हूँ, फ़ोटो वगैरह खींचता हूँ, और वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, क्यों हो सकता है इसके 2-3 व्लॉग बने, ठीक है। तो बस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।